आज हम एक टीयर लिस्ट बनाने वाले हैं इंडिया के सारे पॉलिटिशियंस के बारे में, उन्हें टीयर लिस्ट में रैंक करने वाले और उनकी क्या पार्टी थी उनको ऑब्जर्व करने वाले। ये वीडियो पार्ट है उस सीरीज का जहां पे मैं पूरा पॉलिटिक्स समझने वाला हूं 7 दिनों में। इन 7 दिनों में से ये दूसरा दिन है जहां पे मैं इंडिया की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और आज के दिन में इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस सारे पॉलिटिशियंस को ऑब्जर्व करने वाला हूं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो किस चीज को सपोर्ट करते हैं और वो कितना सक्सेसफुल हुए। लेकिन इस स्टडी को प्रेजेंट करने के लिए मैंने एक यूनिक स्टाइल चुना, वो है टीयर लिस्ट। तो इस टीयर लिस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग अलग पार्टी हर एक डाइवर्सिटी को डालने की कोशिश की है, और यहाँ पे जो टीयर है उसका फर्स्ट टीयर है वो है लेजेंड कैटेगरी। अगर कोई आदमी ऐसा होगा कि जो रेडिकल से रेडिकल आइडिया को भी इम्प्लीमेंट कर पाया अपने पॉलिटिक्स से और उसके करियर में वो पॉलिटिक्स में बहुत ही शिखर तक पहुंच पाया, तो उसे हम लेजेंड कैटेगरी में डालेंगे। अगर कोई ऐसा आदमी होगा कि जो गैंगस्टर, उसने कोई ऐसी चीज की थी कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था, एंड दैट इज अ गैंगस्टर कैटेगरी, ही वॉज लीडिंग इन हिज ओन टाइम वेर ही वॉज एबल टू इम्प्लीमेंट हिज ओन आइडिया, तो उसे हम गैंगस्टर कैटेगरी में डालेंगे। फिर आएगा बिग डॉग। बिग डॉग मतलब कि अपने जगह का, अपने टेरिटरी का वो सबसे बड़ा डॉग था, दैट इज बिग स्टेपर अंडरग्राउंड मेथड्स, राइट, यू नो ऑफ कोर्स द वायरल सॉन्ग, तो हम उसे डालेंगे बिग डॉग की कैटेगरी में। फिर आता है पोटेंशियल, मतलब कि इस आदमी को पोजीशन तो दी गई थी लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, दैट इज पोटेंशियल, या फिर वो अभी कर सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल, राइट। लेकिन अगर उसको पोजीशन मिली ही नहीं या तो फिर वो फेल हो गया, तो उसे हम डालेंगे फेलियर कैटेगरी, राइट। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। चलिए शुरू करते हैं मोरारजी देसाई से। मोरारजी देसाई, आई पर्सनली फील आई वुड पुट हिम इन फेलियर कैटेगरी, ऑल्दो प्री इंडिपेंडेंस अच्छा काम किया है उन्होंने, हमारे स्वतंत्र सेना नहीं रहे, लेकिन उसके बाद उनकी फेलियर से फेलियर शुरू होते गए। पहले तो उन्होंने रॉ को सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार बन रही थी वो बहुत ही सरप्राइजिंग सरकार थी मेरे लिए, मनमोहन सिंह से भी ज्यादा ये एक सरप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर थे, बिकॉज जेपी की पार्टी में उनका आना, उनका आगे आ जाना और फिर 2 साल के लिए ही सरकार को चलाना, वो भी इमरजेंसी के बाद, वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर माना जाता है मेरे हिसाब से। वो जो कोएलिशन था वो ऑफकोर्स पॉसिबिलिटी नहीं था चलाना, पॉसिबिलिटी नहीं था उसको कंटिन्यू करना, बिकॉज बहुत सारी अलग अलग पार्टी, अलग अलग आइडियोलॉजी एक पार्टी में आ चुकी थी, तो ऑफकोर्स डिफिकल्ट है, काइंड ऑफ आज के इंडिया अलायंस की तरह। लेकिन फिर भी मोरारजी देसाई उस वक्त तक सक्सेसफुल रहे थे, ऑल्दो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी वहां पे भी बहुत सारे फेलियर देखे गए थे, जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र का डिवाइड और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लेकिन मैं उनको पर्सनली कंसिडर करता हूँ फेलियर में, और स्पेशली उनकी जो कॉन्ट्रोवर्सीज उनके बाद आई थी वो सुन के थोड़ा ज्यादा वो मिलता है, जैसे कि उनका यूरिन ड्रिंक और ऑल दैट, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोज कॉन्ट्रोवर्सीज, बट आई कंसिडर हिम इन फेलियर कैटेगरी, आई मस्ट शिफ्ट इन फ्यूचर। फिर आते हैं शरद पवार। शरद पवार, आई डेफिनेटली पुट हिम इन बिग डॉग, द गाय वाज अ बिग डॉग। 4 टर्म तक महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रहना, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब होना कोई आम बात नहीं है। वो नरसिम्हा राव की छोटी सरकार थी लेकिन उसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचे थे, फिर मनमोहन सिंह की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थे, और आज भी महाराष्ट्र के तख्ता पलट में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। But he was a big dog in his own territory. He was not able to put his NCP, यानी कि Nationalist Congress Party's agenda as such. जैसे कि उनका लवासा में भी failure हुआ था, बहुत सारी ऐसी जगह पर उनका failure हुआ है। Still a big dog in Maharashtra in his own territory. So I'd consider him as a big dog. ठीक है, बहुत ही बढ़िया content. फिर आते हैं another failure, that is सीताराम येचुरी जी। सीताराम येचुरी जी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सेक्रेटरी जनरल है एज ऑफ नाउ। आई पर्सनली कंसिडर हिम एज अ बिगेस्ट फेलियर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियंस आफ्टर राहुल गांधी आई गेस, बट आई थिंक दैट द गाय इज नॉट एबल टू डू एनी थिंग विच ही स्टैंड फॉर। एम एन रॉय ने जो सत्ता स्थापना की थी बंगाल में, उनके फेलियर का रीजन शायद ये रहे, ऑल दो उनके फेलियर का बंगाल में कम्युनिज्म के फेलियर का रीजन है ममता बैनर्जी, दैट इज फॉर श्योर, शी कम्प्लीटली बेस्ट कम्युनिज्म आउट ऑफ कलकत्ता, लेकिन ये सस्टेन ज्यादा नहीं कर पाए, और उनका जो अभी होल्ड है वो केरला में 4-5 सीटें है, उसके अलावा CPIM का होल्ड इतना नहीं रहा पॉलिटिक्स में जितना इंडी अलायंस उनको देती है, राइट, इंडी अलायंस उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, आई डोंट नो व्हाई। बढ़िया, फिर आते हैं
कांसीराम जी जो है वो बसपा के फाउंडर रहे, ठीक है। कांसीराम जी जो है उनका यूपी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि ये जो है वो बसपा जो है उनके फाउंडर थे। अब बीएसपी जो है वो अंबेडकरियन पार्टी है, मतलब कि वो लोअर कास्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये जो आइडियोलॉजी है, जो लिबरलाइजेशन ऑफ लोअर कास्ट और पॉपुलिज्म, वो यूपी में और खास करके इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है। तो आज भी जो मायावती जिस चीज़ पे खेल रही थी वो इनकी ही फाउंडेशन थी, राइट। आज जो कि मायावती जी आज रेलेवेंट नहीं रही, लेकिन जो उनका जो रेलेवेंस था, उनका जो जीत का या फिर उनका जो ओहदा था यूपी में, वो आया था कांसीराम जी के काम के कारण। आई कंसिडर हिम एज बिग डॉग, हिज इम्पैक्ट वॉज समथिंग रियली ग्रेट इन बीएसपी, एंड या बीएसपी स्टिल होल्ड्स सम सीट्स सम और अदर वे, बट राइट नाउ इट्स अ फेलियर। सो कांसीराम जी बिग डॉग ऑफ हिज कैटेगरी। देन आफ्टर कम्स अरविंद केजरीवाल, द पोटेंशियल कैंडिडेट। आई पर्सनली फील उनके पास एक बहुत अच्छी उम्मीद थी, जो उस वक्त उन्होंने किया था वो कुछ ऐसा था कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और एक्चुअल क्रांति लाई थी इंडिया में। लेकिन फिर जाके वो सारी चीज़ें फेल हो गई, फिर जाके वो खुद करप्शन के शिकार है, या फिर करप्शन ही है। तो या आई थिंक ही हैड लॉट ऑफ पोटेंशियल, ही वॉज गिवन अ पोजिशन बाय पीपल एंड ही फेल्ड इट। उनका ये फेलियर हो चुका है, एंड आई पर्सनली फील बिगेस्ट फेलियर ऑफ टाइम। तो या आई थिंक अरविंद केजरीवाल गोज इन पोटेंशियल कैंडिडेट। फिर आती है हमारी पहली गैंगस्टर कैटेगरी की उम्मीदवार। आई पर्सनली फील इंदिरा गांधी गैंगस्टर कैटेगरी में डेफिनेटली जानी चाहिए, क्योंकि हाउ एवर रॉन्ग एज अ पर्सन शी माइट बी, आई मीन लाइक पुटिंग फॉर एन इमरजेंसी ऑल द एट्रोसिटीज वॉट एवर, बट शी ऑलवेज सरप्राइज नॉट ओनली ओपोनेंट्स बट हर ओन पीपल। नो बडी थॉट इंदिरा गांधी होल्ड्स वुड होल्ड दिस पावर, शी होल्डेड इट एट द बेस्ट लेवल पॉसिबल। शी रिप्रेजेंटेड इंडिया फियरलेस, शी वॉज द great politician of her time, that's why I definitely put her in the gangster category. Even after emergency, jab usko hara di gaya, she was able to topple the government and bring back the government of hers, and even after her death Rajiv Gandhi was able to win because of Indira Gandhi, and that's why I feel she has a lot of impact in society, and that's why I put her in gangster category definitely. And then after comes, I think no doubts, लेजेंड कैटेगरी, बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया। अ पर्सन हु वॉज नॉट सिटिंग एज अ चीफ मिनिस्टरियल पोजिशन, बट स्टिल वॉज प्लेइंग पॉलिटिक्स रियली रियली वेल। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट स्टिल कैन टॉपल द होल गवर्नमेंट। दैट इज द पावर ही होल्ड्स। एनी पर्टिकुलर पर्सन हु डोंट इवन होल्ड अ सिंगल सीट वॉज एबल टू फाइट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज इंदिरा गांधी, एंड दैट इज वॉट पावर बाला साहेब ठाकरे होल्ड्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट ओपन एनी इंटरव्यू, ओपन एनी स्पीच ऑफ बाला साहेब ठाकरे, एंड यू विल रियलाइज हाउ रेडिकल हिज आइडियाज वर, बट स्टिल ही वॉज एबल टू इम्प्लीमेंट इट। वॉट लेवल ऑफ इम्पैक्ट ही हैज इन द सोसाइटी, दैट इज समथिंग दैट इज विजिबल, राइट। ही वॉज लाइक ट्रंप ऑफ इंडिया, बट जस्ट वे स्मार्टर देन ट्रंप, राइट। दैट इज वाई आई फील लाइक हिज स्पीच वॉज आइकॉनिक, हिज पॉलिटिक्स वॉज आइकॉनिक, ही हिमसेल्फ वॉज आइकॉनिक, एंड आई देर माइट बी पर्सनल बायस हियर, बट आई वुड डेफिनेटली पुट हिम इन लेजेंड कैटेगरी। Right, then after comes Narendra Modi, I'd put him in gangster category, right. I would have put him in legend category, but he has a lot to prove. Especially जब कोई आदमी जिंदा होता है तो उसको legend category में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारा काम है जो अभी करना चाहता है। But I feel Narendra Modi is the best prime ministerial candidate we have got, because his personality, his discipline suits this position, right. You might hate him for his ideology, you might hate him for whatever he does, but you will never hate him for being a prime minister. He is one of the best prime minister we can have, at least right now. He has a lot to prove, especially after this election, that he will be successful or not. He has a lot to implement. He has yet to complete his promises, but I personally feel I'll put him in gangster category, theek hai, considering his impact in terms of nationalism in India, hai na. Fir aate hai Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah bhai sahab jo hai wo big dog hai. I know this might be a controversial thing to say, lekin वो जो चाहते थे वो उन्होंने किया। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, शेख अब्दुल्ला इज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस फाउंडर। नाउ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द पार्टी विच इंप्लीमेंटेड 317 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट बनाने वाले ये आदमी थे। इन्होंने ही एक रेजिम खड़ा कर दिया था जम्मू कश्मीर में, जिसका एक सेपरेट फ्लैग था, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग प्रोविजन था। ये सारी चीजें जो थी वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाए थे ये शेख अब्दुल्ला।
शेख अब्दुल्ला जो है इनके ही बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला और उनके ही बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। ऑल्दो सक्सेशन के हिसाब से वो कंप्लीट फेलियर रहे बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सस्टेन वॉट ही बिल्ट एंड दैट इज वाई पुट हिम इन अ बिग डॉग कैटेगरी बट आई फील व्हाटएवर आइडिया ही हैड ही वॉज एबल टू पुट इट फॉरवर्ड really really well. So he was good as a politician, however bad he is for India, however bad he is for the people of Jammu Kashmir also, but I put him in big dog category. Then after comes All India Majlis-e-Ittehad Muslimin ke current president, that is Asaduddin Owaisi. I feel is representing Muslim faction in India as of now, but I feel he has potential, he has a lot to do. He's not completely representing Muslim of all India because he has just stakehold in some part of Maharashtra, not in current correction I feel, current election I feel, but I think he still has hold in Maharashtra and Hyderabad, right? But if the current Waqf Bill is able to turn towards the side of Muslim, then this guy wins. But if it turns towards the side of what BJP wants it to be, then this guy is definitely staying at the position he is, that is potential. He might also topple down to failure. अगर वो अभी वकफ में कुछ ना कर पाए तो ऑफ कोर्स ही इज अलाइव, ही हैज अ लॉट टू डू, तो ही स्टिल गेट्स चांस जस्ट लाइक द अदर थ्री कैंडिडेट्स, बट आई फील ही इज स्टिल इन अ पोटेंशियल कैटेगरी बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डू व्हाट ही विश टू एट दैट पर्टिकुलर लेवल एट अ नेशनल लेवल, राइट? आई पुट हिम इन पोटेंशियल कैटेगरी मोस्ट डेफिनेटली. देन आफ्टर कम्स अनदर गैंगस्टर कैटेगरी पर्सन, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी. इफ यू आर अ पॉलिटिशियन कि जिसको सत्ता और ऑपोजिशन दोनों पसंद करती है, तब तुम बनते हो अटल बिहारी वाजपेयी, तब तुम बनते हो ए पॉलिटिशियन लाइक नितिन गडकरी, बिकॉज यू आर सो गुड एट योर वर्क दैट इवन योर एनिमीज लव यू एंड दैट इज समथिंग दैट इज ग्रेट. ही हैज गोन थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ. उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो चुकी थी, वो उतने उनकी उनकी अलायंस टूट चुकी थी, स्टिल ही स्टूड बैक. Still he was able to form something which holds impact up until now. Still everybody loves and respects his speeches. That is the impact that Atal Bihari Vajpayee has in the country. That's why I put him in gangster category. Most definitely one of the great person. Then after comes Veer Savarkar. Veer Savarkar, I only put him in, not in legend category, because he was not successful in politics because of all the problems that he has faced in his life. Unfortunately, the guy was the greatest person but still failed in politics. The guy has the greatest mindset and he is in the gangster position because uska impact aaj bhi dikhta hai, uska hindutva aaj bhi dikhta hai logo mein. Isiliye main unhe gangster category mein dalna chahunga. Unka jo party hai wo hai Hindu Mahasabha, jo ki aaj ke daur mein relevant nahi rahi hai. जो भी हिंदू सभा जानी जाती है वो सावरकर की वजह से जानी जाती है. जो भी हिंदुत्व जाना जाता है, जो भी RSS जाना जाता है, ये एक ऐसे विचारधारक थे जो राइट विंग को ही नहीं बल्कि लेफ्ट विंग जैसे कि सोशलिस्ट जैसे कि भगत सिंह को इंप्रेस कर पाते, वो सेंट्रिस्ट जैसे महात्मा को इंप्रेस कर पाते हैं, वो है सावरकर. जवाहरलाल नेहरू यूज टू कंसिडर हिम एज अ कॉम्पिटिशन इवन वैन ही वॉज जस्ट पार्ट ऑफ हिंदू महासभा इन स्मॉल सिटी लाइक महाराष्ट्र. द प्राइम मिनिस्टर यूज कंसिडर हिम एज अ कॉम्पिटिशन. दैट इज इम्पैक्ट दैट सावरकर हैड, दैट इज इम्पैक्ट दैट सावरकर हैज टिल नाउ. तो इसीलिए मैं उसे गैंगस्टर कैटेगरी में डालना चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक आई नीड टू जस्टिफाई दिस एज सच, बट मैं उनके बहाव में चला जाता हूँ, है ना? दिस वॉज द टियर लिस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस ऑफ आवर टाइम. इनको स्टडी करते करते हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट को भी स्टडी कर लिया, जैसे कि हमने जनता पार्टी, CPIM, AIMIM, AAP, फिर BSP, NCP, इन सब को स्टडी किया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टडी किया. ये सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते हम उनकी आइडियोलॉजी भी समझ गए, उन्होंने क्या किया था वो भी समझ गए, वो कितने सक्सेसफुल थे कितने सक्सेसफुल नहीं थे वो भी समझ गए. दैट इज़ द पॉलिटिकल रेल्म ऑफ इंडिया, दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू नो. दिस वाज द डे टू ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स. डू चेक आउट माय ब्रांड एवरीथिंग, द प्रोडक्ट्स, द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई हैव लॉन्च्ड इज लेजी बॉटल, यू विल लव इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और डे थ्री में हम ये करने वाले हैं कि डे थ्री में हम पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड स्टडी करने वाले हैं. दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर इट. मैं इसको लाइव शूट करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे जब मैं इसको लाइव शूट करूं. बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव शूट करूं, बिकॉज एज सून एज अ लाइव कंप्लीट्स मैं उसको मेंबर्स ओनली कर दूंगा. सो या
वी विल अपलोड द डेट 3 वेरी सून. डू चेक इट आउट, डू लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड इट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ इट, एंड डू चेक आउट एवरीथिंग प्रोडक्ट इफ यू वांट टू शो सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. See you next time.